बस में बैठे हैं हम और डिब्बू हैं, और अभी पता है 1 बज रहा है, तो तैयार होते होते इतना ज़्यादा लेट हो गया ना, क्या ही बताएंगे। और फिर मेरा भाई आया था यहाँ तक छोड़ने के लिए, मतलब बस। ये रहा मेरा खाना, और देखिए डिब्बू प्लास्टिक सब फेंक रही है, और अभी थोड़ा खा भी रही थी। डिब्बू खाओ, देखिए डिब्बू, देखिए मेरे से अच्छे तरीके से साफ नहीं हुआ था, ये जा रही है झाड़ू लगाने के लिए। क्या कर रही है रे? हम जो इतना झाड़ू पोछा किए इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका साफ़ करने से तभी ना रूम साफ होगा। देखिए कैसे कैसे कर रही है, पूरा जैसे जैसे हम कोना में एकदम मारते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, अभी हम खाना जो है बनाए हैं, सोचे जा रहे हैं खाने के लिए। देखिए इधर लाइट भी कट गई, देखिए लाइट कटा और तुरंत इतना ज़्यादा बारिश आंधी तूफान आने लगा ना, इसको देखिए। कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, और हम भी बहुत अच्छे हैं, बाबू भी बहुत अच्छी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम घर पे हैं, और यहाँ से हम कल चले जाएंगे, लगभग काफ़ी दिनों से हम यहाँ पे हैं, 15 दिन तो हो ही गए होंगे। इस बीच में हम बहुत कम ही ब्लॉग डाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है और नेट का भी प्रॉब्लम रहता है। वहाँ पे तो किसी से वाईफाई भी ले लेते थे, यहाँ पे एक भाई है वो भी भर दिन ऑनलाइन पे पढ़ते रहता है, तो नेट देता नहीं है। तो नेट की प्रॉब्लम की वजह से हम सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाते थे, लॉन्ग वीडियो हम बहुत कम ही बनाते थे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो के लिए 1.5 GB चाहिए है, पर 1.5 GB हमें मिलता ही है, वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। बाबू भी थोड़ा बहुत मोबाइल देखती है, तो इसीलिए जो है देखिए हम बैग पूरा तैयार कर लिए हैं, और ट्रॉली बैग जो हम लेके आए थे उसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि अकेले सारा सामान लेके बाबू को ले जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी ये वाला छोटा वाला बैग में और सामान ले लिए हैं, और सामान जो हम यहीं पे रख देते हैं फिलहाल। ये वाला जो ट्रंक देख रहे हैं आप, बड़ा वाला, ये वाला ट्रंक मेरा ही है, जो कि हम खरीदे थे, परसों खरीदे हैं, और इसी में मेरा सारा सामान सब है, जो भी सामान सब है। अब हम वहाँ से आएंगे ना तो सामान लेके नहीं आएंगे, इस ट्रंक में सारा रख दिया है, वहाँ से 1-2 कपड़ा ही लेके आएंगे और पहनेंगे, फिर यहीं पे रख के चले जाएंगे। ये जो है ना यही वाला ट्रंक है जो हम लिए हैं, इसलिए देखिए अभी सामान सब रखा हुआ है। इसको देखिए रे लड़की, वो क्या किया रे, देखिए पैंपर्स लाए थे, इनका भी पेट खराब हो गया है, और उसको देखिए कैसे पन्नी को खा रही है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान मतलब आ जाएगा, बट अभी थोड़ा सा ही सामान है, 4-5 साड़ी सब सूट सब जो हम यहीं पे रख दिए हैं, बाबू का भी कुछ कपड़ा सब यहीं पे है, और बस हम ये वाला छोटा वाला बैग जो है लेके जाएंगे। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, अभी मॉर्निंग है, और जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, हम बता ही दिए थे फर्स्ट में कि हम आज चले जाएंगे, तो अभी जो है फिलहाल हमारे घर में खाना बन रहा है, खाना खा के जाएंगे, और 8 बज रहा है, 10 बजे तक में हम निकलेंगे। और क्या ही बताएं, कपड़ा सब्जी मेरा नहीं सूखा है तो अभी आज, लेकिन ये है कि मौसम अच्छा है ना, देखिए धूप ही धूप है, और इधर देखिए सारा कपड़ा सब जो है धो के आंगन में दे दिए हैं, ये सूख जाएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि भींगा हुआ कपड़ा लेके जाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए सारा कपड़ा तो सूख रहा है, ये वाला, ये दोनों मेरा है, वो सब तो दीदी का है, तो कपड़ा सूख जाएगा, उसके बाद फिर पैक किए हैं और थोड़ा बहुत पैकिंग बाकी है, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। लेकिन क्या बताएं, यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी कितना दिन रह सकते हैं। और देखिए इधर ये सब चीज़ बहुत याद आता है यहाँ पे, जब यहाँ से चले जाएंगे तो, क्योंकि अच्छा लगता है ना गांव में, और गांव किस किस को पसंद है कमेंट बताइएगा, हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन हमको इतना पता है कि यहाँ पे कितना दिन रह ही सकते हैं, बात ये है। अभी हम डुगू को दिखाते हैं कि डुगू क्या कर रही है, अगर डुगू को दिखाए तो देखिए क्या कर रही है, क्या कर रही है रे, देखिए ये छोटा वाला मोबाइल लेके डुगू देखिए कैसे भागती है यहाँ पे, बेचारी को वहाँ पे इतना ज़्यादा भागने नहीं हो रही, कहाँ भाग गई रे, देखिए दो मोबाइल दो, देखिए एक छोटा सा मोबाइल है घर में जो ख़राब हो रखा था उसको लेकर के, देखिए जस्ट देखिए यहाँ पर रोड है, देखिए आ आ दो मोबाइल दो दो दो, देखिए कितना यहाँ पे आके और ज़्यादा तेज हो जाती है दौड़ने में, देखिए कितना स्पीड दौड़ती है रे। ये जा रही है अभी पढ़ने के लिए, ये रहती है तो उसको लेती है, और अभी तो जा रही है पढ़ने के लिए, अब आएगी तो शायद हम चले गए होंगे, चल जाएंगे तब रे, तब क्या करेगी, देखिए जा रही है अभी जो है पढ़ने के लिए जा रही है, और अभी ये आएगी अभी 12:00 बजे आएगी तो उससे पहले हम चले जाएंगे। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे आके डू कितना ज़्यादा बदमाश, मोती टूटेगा देखिए, मोती टूट जाएगा, देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा बदमाशी करती, चलो घूम घूम करने जाते, देखिए नाम। ये रहा मेरा खाना, और देखिए डुगू प्लास्टिक सब फेंक रही है, और अभी थोड़ा खा भी रही थी। डुगू खाओ, देखिए डुगू खा रही है, और देखिए अभी बेड सब भी नहीं लगाए, सारा कुछ हटा दिए हैं, क्योंकि ना देखिए अभी हम डुगू को है दूध पिला रहे थे यहाँ पे बोतल में, और पता नहीं बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, आप फीलिंग समझ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे डुगू सोई हुई है, और अभी हम थोड़ी देर में खाना खा के निकलेंगे,
लेकिन क्या बताएं, सर भी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है और पता नहीं डुगू का पेट भी ख़राब है। मतलब ज़्यादा बार नहीं होता है फोटी, पर ना पेट खराब टाइप का लग रहा है, तो डर भी लग रहा है जाने में। क्या बेटा? तो फ्रेंड देखिए, हम बस में बैठ गए हैं, हम और डुगू हैं, और अभी पता है 1 बज रहा है, मतलब तैयार होते रहते इतना ज़्यादा लेट हो गया ना, क्या ही बताएंगे। और फिर मेरा भाई आया था यहाँ तक छोड़ने के लिए, मतलब बस से बैठाने के लिए, हम लोग नहीं बना पाए क्योंकि लेट हो रहा था और थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया और डुगू भी परेशान कर रही थी। तो चलते हैं और हम दिखाते हैं आपको कैसे हम अकेले जाते हैं यहाँ से। हेलो दोस्तों, फाइनली हम रूम पे आ गए हैं। और क्या बताएं, अभी थोड़ा देर पहले पहुँचे हैं और बहुत ही ज़्यादा क्या बताएं, इतनी ज़्यादा परेशानी हुई ना। और देखिए उसके बाद जो है मेरे पास सब्जी सब कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए जो हम सोचे कि खाना ही मंगा लेते हैं। तो देखिए खाना मंगा लिए हैं और डुगू जो है खा रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी होने के बाद क्या करेंगे, बाबू को भी कोई लेने वाला नहीं था जो हम खाना बनाते, इसीलिए जो है ना हम खाना मंगा ही लिए हैं। और यहाँ पे देखिए डुगू खाना स्टार्ट भी कर दिया। डुगू के लिए दूध लाए थे तो वो गर्म कर लिए हैं, और ज़्यादा दिन से रूम बंद था तो थोड़ा सा झाड़ के सोएंगे ना तो सही रहेगा, इसीलिए अभी बेड भी लगाना है। और डुगू को पहले खिलाते हैं, फिर हम भी खाते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। अभी जो है मॉर्निंग है और देखिए डुगू चाय बिस्किट खा रही है। देखिए बोलो हाय, कैसे हो? तो अभी डुगू चाय बिस्किट खा रही है और अभी हम लोग जगे हैं गाय, 8 बज रहा है। पता है हम लोग इतनी मतलब नींद में सोए थे ना, ऊपर से रात में चावल मंगाना पड़ा था होटल से, तो चावल ही खाए थे ना, और ज़्यादा नींद आ गया, क्या ही बताएं। 8 बजे जगे, फिर डुगू रोने लगी तो उसको चाय बिस्किट दिए हैं फ्रेंड्स। और क्या बताएं, बहुत ज़्यादा थके हुए। क्या लेगी? देखिए और हमारा रूम का हालत देखिए, अब कितना ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ, सामान सब देखिए, ऊपर भी देखिए जैसे तैसे रखा हुआ है, नीचे में भी देखिए जैसा तैसा रखा हुआ है। और देखिए इधर सारा रूम को पोछा लगाना पड़ेगा क्योंकि ना इतना दिन से बंद था ना, इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा कचरा कचरा हो गया है। देखिए यहाँ पे, वहाँ पे देखिए कितना कचरा है। और देखिए किचन का हालत देखिए, मतलब ना सारा हमको साफ करना पड़ेगा। और देखिए कैसे कैसे कर रही है, यहाँ पे देखिए बेसिन में डब्बा धोएंगे, इसमें मम्मी जो दाल दी थी वही रखेंगे। और बाकी देखिए सारा मतलब क्या बताए, ऊपर में भी कचरा सब लग गया है, तो पर जैसे तैसे होगा साफ तो हमको ही करना पड़ेगा। पहले जो है सफाई हम किचन से करेंगे। और देखिए जैसे ही हम आते हैं ना ये भी आ जाती है, क्या बताएंगे। ले चलो चलो डुगू, अभी चाय बनाए हैं, ये सब भी बर्तन सब भी बहुत सारा गंदा हो गया, फिर भी सारा बर्तन धोना पड़ेगा क्योंकि इतना दिन से उसमें खाना बनाए नहीं थे, तो उसे बिना धोए तो बना नहीं सकते, इसलिए अभी सारा बर्तन धोएंगे, किचन साफ करेंगे, तब जाके हम खाना खाएंगे। सोचिए कि कितना टाइम हो जाएगा, अभी 9:10 अभी भी बज गया है। इसको देखिए आई है और सारा किचन का यहाँ से डब्बा हुआ ले करके भागने में लगे। डुगू दो, देखिए क्या ही बताए फ्रेंड, देखिए कितनी ला ला ला, देखिए देखिए कितना, देखिए ची ची। देखिए मेरे से अच्छे तरीके से साफ नहीं हुआ था, ये जा रही है झाड़ू लगाने के लिए। क्या कर रही है रे? हम जो इतना झाड़ू पोछा किए इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका साफ करने से तभी ना रूम साफ होगा। देखिए कैसे कैसे कर रही है, पूरा जैसे जैसे हम कोना में एकदम मारते हैं वैसे वैसे, देखिए देखिए नौटंकी में तो थोड़ा भी कम नहीं है ये। तो मूसलाधार बारिश हो रही है, अभी हम खाना जो है बनाए हैं, सोचे जा रहे हैं खाने के लिए। देखिए इधर लाइट भी कट गई, देखिए लाइट कटा और तुरंत इतना ज़्यादा बारिश आंधी तूफान आने लगा ना, इसको देखिए कह रहे हैं कि पूरा बेड भींग रहा है, खिड़की को बंद करो, तो बारिश का मजा ले रही है। डुगू खिड़की बंद कर दो, देखिए देखिए बंद कर रही है फिर, लेकिन खोल देगी, देखिए बंद कर दिए, बंद कर दो, देखिए पर ना देखिए कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, इतना जल्दी ऊपर देखिए कितना ज़्यादा बादल लगा हुआ है, बंद कर दे। बाकी फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, देखिए कितना ज़्यादा परेशान कर रही है। देखिए अभी इसको जो है मोबाइल दे करके फिर हम जो खाना मतलब दाल चावल तो चढ़ा दिए हैं, खाना वाना बनाएंगे खाएंगे फिर नहाएंगे धोएंगे, तब जाके जो है दिमाग फ्रेश होगा क्योंकि सारा काम सब किए हैं कचरा वाला, तो नहाएंगे नहीं तो खाना भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसको देखिए